तो फाइनल दोस्तों हमारे पास आ गया ओप्पो F19 का बॉक्स। और गाइस इस वीडियो में करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा है फ़ोन, कैसी हो क्वालिटी। तो ओप्पो F19 की इधर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, और जैसे कि ओप्पो F19 प्रो का बॉक्स था उसी तरीके से सेम देखने के लिए आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ओप्पो F19 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है इस तरफ भी और इस तरफ भी। और यहाँ पर हमारे पास जो वेरियंट है वो 6 GB 128 GB रोम वाला वेरियंट, और कुछ की हाइलाइट फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक 33 वाट का फ्लैश चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, तीन कैमरे आपको इसके अंदर देखने के मिल जाते हैं, 48 MP का मेन कैमरा है, एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। और उसके साथ ही जो हमारे पास वेरिएंट है जैसे कि 6 GB 128 GB रोम वाला वेरिएंट है, मिडनाइट ब्लू कलर है, और कुछ तरीके से आपको डिटेलिंग बैक साइड में देखने के लिए मिल जाती है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो गाइस बॉटम साइड में भी देखोगे तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर तीन कैमरास बैक साइड में मिलते हैं, 48 MP का मेन कैमरा है, 2 MP पोर्ट्रेट और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 16 MP फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और भी डिटेल्स आप देख लीजिए। तो चलिए खोल लेते हैं अपने बॉक्स को, निकालते हैं अपने डिवाइस को बॉक्स से बाहर। कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स मिलता है ब्लैक कलर में, इसे भी खोल देते हैं। और यहाँ पर हमें एक और छोटा सा पाउच ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि हमें पता है क्या क्या इसके अंदर होता है, तो फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि सिम इंजेक्शन पिन, ओप्पो की तरफ से कुछ पेपर वर्क, और यहाँ पर एक आपको मिल जाता है सिलिकॉन कवर जो कि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, ये देखिए, और काफ़ी सॉफ्ट है गाइस। और यहाँ पर रखा हुआ हमारा फ़ोन, इसे निकाल लेते हैं बाहर, और कुछ तरीके से फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी लाइट वेट है फ़ोन, तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पर हमें फ़ोन की लुक कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, और फ़ोन का डिज़ाइन है वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है मुझे गाइस, और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी लग रहा है। 6.4 इंच का फ़ोन है, लेकिन आप एक हाथ से काफ़ी इजीली से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं डिटेल में बताऊँगा, पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक 33 वाट का फ्लैश चार्जर जो कि काफ़ी मैसिव है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बार आप आउटपुट रेटिंग चेकआउट कर लीजिए। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर आपको एयरफोन्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ ये आते हैं। तो चलिए रखते हैं वापस, और यहाँ पर आपको एक मिल जाती है चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी केबल है। तो गाइस ये हैं सारे कंटेंट, तो चलिए मैं इन सबको हटाता हूँ, फिर आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो गाइस यहाँ पर रखा हुआ है हमारा डिवाइस, और कुछ इस तरीके से डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है गाइस। डिवाइस की जो लुक है और फील है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन का डिज़ाइन है, और सबसे अच्छी बात है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसे एक हाथ से काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। और देखिए काफ़ी स्लिम फ़ोन लग रहा है मुझे, तो चलिए मैं इसको बूट अप कर लेता हूँ, फिर कर लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जो कि फुल एचडी डिस्प्ले है पंच होल के साथ। यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले के अंदर 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, उसी के साथ एयरपीस इधर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको बॉडी टू बॉडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, अभी ऑन हो जाएगा तब मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा। तो फ़ोन के राइट साइड में वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी पोजिशन पर दिए हुए हैं, काफ़ी ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमें सिम ट्रे निकाल दी हमने बाहर, और यहाँ पर हमें दिख जाते हैं तीनों स्लॉट जो कि 2 SIM और 1 MSD कार्ड आप इसमें काफ़ी ईजिली लगा सकते हो। तो चलिए वापस इसे लगा देते हैं। और अगर इस फ़ोन के ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कोई भी आपको फंक्शन नहीं देखने के लिए मिल जाता। फ़ोन के लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पर दिया हुआ है। और अगर इस बॉटम साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे स्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीकर, चार्जिंग स्लॉट, माइक, 3.5 mm हेडफोन का जैक यहाँ पर, और कुछ तरह की सारी डिटेल्स आपको मैंशन है नीचे की तरफ। और बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं तीन कैमरास गाइस, जैसे कि मैंने बताया 48 MP का इसका मेन कैमरा है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है, और 2 MP का पोर्ट्रेट सेंसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, कुछ इस तरीके से काफ़ी पंप देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस पीछे का जो ग्लास है, इसका ग्लास नहीं है, फाइबर ग्लास बॉडी है, उस पर आपको फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे जाएंगे, देखिए, तो इसको आपको साफ़ करते रहना पड़ेगा। ओप्पो की ब्रांडिंग इधर मिलती है, और यहाँ पर आपको फाइबर ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो फ़ोन पूरा सेटअप हो गया हमारा, और यहाँ पर कुछ तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस में फुल कर देता हूँ। और गाइस जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो काफ़ी अमेजिंग, ये देखिए, आपको कहीं से भी ब्लैक शेड्स वगैरह कहीं भी दिखाई नहीं देगा, और आप जिस भी एंगल से देखते हो आपको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्प्ले दिखाई दी जाती है। और जो व्यू एंगल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, देखिए मैंने बताया था आपको बॉडी टू बॉडी डिस्प्ले देखने की मिल जाती है,
पंच होल डिस्प्ले कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है आपको, और कुछ तरीके से आपको यूज़र इंटरफेस फ़ोन का देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है गाइस, जिसमें आपको 60 हर्ट्स वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, 90 हर्ट्स की नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात है काफ़ी कॉम्पैक्ट है फ़ोन। और गाइस इसका जो प्राइस है वो अभी मेंशन नहीं है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो चलिए अबाउट फ़ोन के अंदर इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन जो देखने के लिए मिल जाता है वो है 11 कुछ इस तरीके से। और इसका जो सिक्योरिटी पैच है मार्च 5, 2021 का है। और यहाँ पर और भी डिटेल्स मैं बता दूँ, जैसे कि इसमें 128 GB रोम वाला वेरियंट है, जिसमें से आपको 110 GB फ्री देखने के लिए मिल जाती है। 6 GB रैम है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए गाइस इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस मैं बता दूँ, इसके अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है वो इन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ तरीके से काम करता है ये, देखिए एक बार और दोबारा से देखते हैं। तो आप पावर बटन मत दबाइए, थोड़ी देर में विजिबल हो जाता है, और जैसे टच करते हो वैसे ही अनलॉक हो जाती है हमारी स्क्रीन। ये देखिए जैसे ही थोड़ा सा विजिबल हुआ, वैसे ही आप टच करोगे तो काफ़ी ईजिली और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे स्क्रीन को अनलॉक कर देता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। ये देखिए आपको ज़्यादा देर दबाने की भी ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा टच कीजिए और ये काफ़ी ईजिली आपका काम कर देता है। तो चलिए फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। तो मेरा फेस बिल्कुल सामने है, और जैसे पावर बटन दबाया वैसे अनलॉक कर दिया है। देखिए तो कोई भी डिले वगैरह का फंक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भी डिले का ग्राफिक भी नहीं आता, जैसे ग्राफिक वगैरह से डिले हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी इंस्टेंट खुल जाता है ये देखिए। और कैमरे के साइड में एक सर्कल सा बन जाता है जब हमारा फेस अनलॉक काम करता है, ये देखिए। तो चलिए कैमरा डिटेल्स भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर 48 MP से कुछ इस तरीके से आपको कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो पोर्ट्रेट मोड से कुछ इस तरीके से एक पिक्चर ले लेते हैं, और एक नॉर्मल फ़ोटो से ले लेते हैं, डिटेलिंग देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस जो शार्पनेस है इंडोर में वो काफ़ी ठीक ठाक आई है। अभी आपको थोड़ा सा आउटडोर की भी मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, सारी फ़ोटोज़ मैं दिखाऊंगा, आप रुकिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, आप थोड़ा सा जज मत करना अभी फ़ोन के कैमरे को। और गाइस यहाँ पर आपको 16 MP के सेल्फी कैमरे से भी एक फ़ोटो ले लेते हैं इंडोर के अंदर, फिर आपको एक क्लिक करके दिखाता हूँ किस तरीके से आती है। तो यहाँ पर कुछ तरीके से डिटेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इंडोर के अंदर तो ज़्यादा लाइट नहीं है, फिर भी आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है। और गाइस ये हैं सारी फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ की जो क्लैरिटी है गाइस काफ़ी अच्छी लगी है, बोके इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा बनाया है, और जो क्लैरिटी के साथ फ़ोटो आ रही है ना काफ़ी अच्छी निभर के उभर के जो आती है, उस तरह की सारी आपको शार्पनेस वगैरह काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और जो एक एक डिटेलिंग है ना गाइस काफ़ी अच्छी आपको देखने के मिले, जैसे ही मैं बता दूँगा इस कैमरे को जितनी अच्छी लाइट मिलेगी उतनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके दे देगा आपको। तो यहाँ पर ये सारी डिटेलिंग आप देख लीजिए। और गाइस बैक कैमरे क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको देखने की मिल जाती है, 48 MP से। और गाइस जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इसी के माइक से हो रही है, तो आप चेक कर सकते हो किस तरीके से इसका माइक, अगर इससे वीडियो बनाना चाहते हो व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप देख लेना, वैसे जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कैमरे से रिलेटेड, जो कि आपको सारी डिटेल बताऊंगा इसके कैमरे से, सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर इसका कैमरा डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको देखनी है तो चलिए थैंक यू। तो ऐसे थी एक छोटी सी वीडियो ओप्पो F19 के ऊपर, और गाइस आप मुझे बताना कैसा लगा आपको फ़ोन। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे कोई सवाल या जवाब हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।